सलमान अली सागर मेरे साथ मौजूद है और विधायक है। आज सदन में सर आखिरकार सरकार ने मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन पास किया, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं इस रिजोल्यूशन में जहां का जिक्र है लेकिन साफ तौर पर 370-35A का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल 370 डेफिनेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, लैंड राइट्स, जॉब राइट्स, जो स्पेशल प्रोविजंस है, जो स्पेशल स्टेटस है, व्हाट इज 370? 370 स्पेशल स्टेटस, 370 इज स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, 370 इज रेस्टोरेशन ऑफ व्हाट हैज बीन टेकन अवे। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं? ये हमें समझते हैं बीजेपी के फ्रस्ट्रेशन है और उनके जो क्रोनीज हैं, जो उनकी यहाँ अभी भी कुछ लोग हैं बीजेपी के नाम के बगैर, जो टैग के बगैर रहना चाहते हैं, उनको ये बोलेंगे। क्लियर कट एजेंडा है, जो आपने लिया है उस पर बात करो, वो वापस दे दो। लोगों की जो एस्पिरेशंस है वो हमने आज दर्शाई है यहाँ, उसकी हमने बात की है। जिस पे हमें वोट पड़ा है, जिस स्पेशल स्टेट्स की रेजोल्यूशन पे हमें वोट पड़ा है, हमने उसकी बात की, वो टेबल किया है और वो पास किया हुआ। सिंस नाउ द रेजोल्यूशन इज पास्ड विद द मेजॉरिटी, डू यू थिंक दिस रेजोल्यूशन इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट? 100% गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली की सरकार कभी भी ये चाहेगी, बीजेपी की सरकार हो या कोई और सरकार हो, यहाँ के लोगों का जो मैंडेट है, जो एस्पिरेशन, वो कल को क्या बोलेंगे पूरी दुनिया में? वो मुल्क के लोगों को क्या बोलेंगे? वो तो हर बार बेचते हैं यहाँ के लोगों का मैंडेट, वो तो यहाँ की म्यूनसिपैलिटी का मैंडेट बेचते हैं, यहाँ के पंचों सरपंचों का मैंडेट बेचते हैं। तो इतनी बड़ी असेंबली का, इतने बड़े लेजिस्लेचर का, इस ऑगस्ट हाउस का मैंडेट वो डिनाई कैसे कर सकते हैं? उनको इस पर बात करनी और करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ के लोगों की आवाज़ है और वो आवाज़ हमने आज हाउस पे रखी। सलमान साहब, आपने देखा बीजेपी ने बहुत स्ट्रांगली विरोध किया, उनकी फ्रस्ट्रेशन है ना, तो आपको लगता है सदन चलेगा और दूसरी तरफ वो आरोप भी लगाए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर? उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो एक एजेंडा से आए थे कि वो सरकार बनाने आए थे और 5 अगस्त के डिसीजंस को रद्द करने आए थे, जो है जी वही सही हो गया, लेकिन लोगों ने वो रिजेक्ट किया और 5 अगस्त में हम जिसके खिलाफ बोल रहे हैं लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और वही मैंडेट आपने आज देखा असेंबली में। हाउ डू यू रिएक्ट ऑन दिस, से इट्स एन एंटी नेशनल मूव, दिस शुड नॉट हैपन? मजबूरी है उनकी, फ्रस्ट्रेशन है उनकी और कुछ नहीं। तो ये थे सलमान अली सागर जो कि विधायक है और इन्होंने स्पष्ट किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों की एस्पिरेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये रेजोल्यूशन जो है वो टेबल किया और मेजॉरिटी से पास किया गया। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जहां एक तरफ इस रेजोल्यूशन पे सवाल भी उठ रहे हैं, दूसरी तरफ कई लोग ये भी मानते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत थी और एक इससे एक ठोस संदेश जो है केंद्र की ओर जाएगा। कैमरा पर्सन सईद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 बातवश, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, श्रीनगर।